Yes, dear students, this PPT is related to chapter number 7, psychology book, class 12. And the name of the chapter is Group Social Influence and Group Processes. So we are, according to NCERT book, this topic, group polarization topic, is available on 137 page. So let's begin. 137 से पहले वाला पोर्शन हम सारा पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं. यू कैन रेफर इफ इन केस यू वांट. नो, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रुप पोलराइजेशन? पहले हमें एक बात समझनी होगी कि ये बात श्योर है कि एक सिंगल पर्सन के डिसीजन और एक ग्रुप के डिसीजंस, कुछ डिसीजंस जो हैं वो सिंगल पर्सन कैन नॉट टेक इट. इट हैज़ टू बी डन बाय अ ग्रुप. से फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में ही है एग्जाम्पल कि एक विलेज में एक बहुत बड़ा स्कूल एस्टेब्लिश करना है. कैन अ सिंगल पर्सन टेक दिस डिसीजन? नो. सो इट हैज़ टू बी टेकन बाय अ ग्रुप. सो सच टाइप ऑफ डिसीजंस हैज़ टू बी अ ग्रुप डिसीजन. सो वी हैव ऑल्सो सीन व्हेन ग्रुप्स दे टेक डिसीजंस, देयर इज अ फियर, राइट? देयर इज अ फियर. कौन सा? जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा कि क्या हम ग्रुप थिंक तो नहीं कर रहे. मतलब जरूरी भी नहीं कि ग्रुप जो जो डिसीजंस ले वो सब राइट हो. इट्स नॉट नेसेसरी. तो ये भी अब फियर है कि ठीक है, डिसीजंस लेने भी ग्रुप नहीं है, बट क्या वो ग्रुप थिंक तो नहीं हो गए? दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर. सो देयर इज अ फियर दैट द फिनोमेना ऑफ ग्रुप थिंक मे समटाइम्स आकर, और वो हो भी जाता है कभी कभी. अब ग्रुप क्या है? आपकी बुक में ही पैराग्राफ में, बिफोर आई रीड दिस ग्रुप पोलराइजेशन, वी शुड जस्ट गो थ्रू अकॉर्डिंग टू योर बुक. सो इट सेज दैट ग्रुप्स शो अनदर टेंडेंसी, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन. सो समटाइम्स ग्रुप इज नॉट ओनली इन ग्रुप थिंक, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन. इट हैज बीन फाउंड दैट ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस, ओके, देन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल इतने बड़े बड़े डिसीजंस, एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं ले सकते. It has to come through a group. Suppose there is an employee who has been caught taking bribe or engaging in some unethical activity. तो क्या होगा? उसके his or her colleague are asked to decide on what punishment. उसके friends को ही बोला गया इसको क्या punishment दी जाए. So they may let him go, right? Or they may say terminate this person, okay? Or they may say impose a punishment on the person, right? Because this is the unethical act. नहीं punish करेंगे तो हर कोई करने लगेगा. So whatever the position may be, right? But this position becomes stronger. कब हो जाएगी? जब किसी एक punishment पर या किसी एक suggestion पर सब लोग मिलकर stamp कर दें. तो वो क्या हो गया? अब क्या हुआ? अब position of that particular, this position becomes stronger. Right? When the group discusses that. So here it is written, strengthening of the group's initial position as a result of group interaction. अब आप बात समझ पा रहे हैं? अब group की interaction से क्या हुआ? हमारे उस position को strengthening मिल गई. क्योंकि group ने discussion किया और बोला हाँ ये सब कर देना चाहिए, तो हमें लगा यार हम भी ठीक सोच रहे हैं. So क्योंकि group is giving their opinion and they are also in a favor of this particular thing, so that is what is strengthening the position. So groups are more likely to take extreme decisions. ये हमने बोल दिया पहले, क्योंकि individuals इतने extreme decisions नहीं ले पाते. I'm sure it is clear. पर this may sometimes have dangerous repercussions, है ना? क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा strong decisions ले लें group के बोलने पर. So फिर हम आते हैं कि ये हो कैसे जाता है. So let's move further. They may talk about capital punishment. जैसे रेप केसेस हुए हमारे देश में बहुत बार, तो फिर सारे लोगों ने मिलकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि दे शुड हैंग टिल डेथ. क्या ऐसा तो नहीं हो रहा था कि हम लोग सब गलत सोच रहे थे? वी आर नॉट गिविंग देम अ चांस टू सर्वाइव. आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ सेइंग कि नहीं पनिश होना चाहिए, बट ये सोचना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हम ग्रुप थिंक में ऐसा तो नहीं कि एक्सट्रीम किसी को पनिश करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट? सो कैपिटल पनिशमेंट्स भी बहुत बार इस इन्फ्लुएंस में हो जाती हैं. देन कम्स दीज थ्री टर्म्स, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, राइट? बिफोर आई मूव टू दिस, देयर इज अ स्मॉल टॉपिक इन योर बुक विच इज गिवन ऑन 138 पेज,
विच इज़ नॉट टेकन हियर बट यू कैन येस इंक्लूड, उसमें टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन ही दिया है, वाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर, होते ही क्यों हैं, ग्रुप पोलराइजेशन क्यों हो जाता है. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि यही कैपिटल पनिशमेंट पर, दैट वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर और नॉट. सपोज यू फेवर कैपिटल पनिशमेंट, ओके, बहुत हीनियस जो क्राइम्स होते हैं विच आर इनटॉलरेंट, मतलब आप इनको बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते. सो लाइक माइंडेड पीपल क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ होना चाहिए. और सब लोगों के व्यूज से फिर वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाएगा डिसीजन. सो द फर्म कन्विक्शन इज बिकॉज ऑफ द थ्री थिंग्स, तीन रीजंस होते हैं उसमें. वन, जितने लाइक माइंडेड लोग होंगे, ओके, अब होगा क्या, आप भी उस न्यूज़ को सुन रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हो, तो होगा क्या, आप भी उस पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के, क्योंकि से फॉर एग्जांपल मेरे सामने 20 लोगों ने बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन रखा, नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उन्होंने जस्टिफिकेशंस दे दी. अब मुझे लगा कि यार ये 20 लोग ठीक ही होंगे ना, तो मेरा भी माइंडसेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट, ऑल्दो आई नो बैक ऑफ द माइंड इट इज़ नॉट गुड, ह्यूमैनिटीज़ के अगेंस्ट है, पर्सन शुड बी गिवन अ चांस टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स, बट लेकिन क्योंकि सब लोग इन अ फेवर हैं तो मुझे भी उसी फेवर में उसी तरफ सोचना पड़ता है. दूसरा कारण क्या हो सकता है, बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं बेटा इसको, बैंड वैगन इफेक्ट. ये आप क्वेश्चन नोट भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में. वो क्या है, यू फील दैट दैट दिस व्यू, when you find that others are favoring capital punishment, jab aapne dekh liya, then you really feel that this view is validated by the public. Now everybody, the whole lot is saying that yes it should be done, to hum ise bol diya bandwagon effect. To aapko yaad hoga jab kaun sa tha, Delhi mein rape case hua, usme the whole nation they came together and they were in a favor that they should be hanged till death. ठीक है, culprits को मार देना चाहिए. तो ये bandwagon effect था जो एक state से दूसरी, दूसरी से तीसरी तक travel करता गया और सभी लोग उसके favor में आ गए, right? Last क्या होगा, when you find people having similar views, you're likely to perceive them as in group. आप भी उसमें क्या लगने लगेगा कि हम भी इसी का part हैं, right? You start identifying within that group, अपने आप को आप believe करेंगे कि आप उसी में हैं, और you start showing conformity. कैसे, as a consequence, क्योंकि वो बहुत strengthened है, तो आप भी as a consequence, willfully नहीं, क्योंकि वो इतने strong हैं, आपको लगा मुझे भी इनके साथ ही चले जाना चाहिए. तीनों और more or less same है, लेकिन with a thin line difference, okay? Now let's move towards the next topic, conformity, compliance and obedience. राइट, इसमें एक टॉपिक आपको दे रखा है बुक में, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस. राइट, सोशल इन्फ्लुएंस है क्या, इट रेफर्स टू दोज प्रोसेसेस वेयर बाय आर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल एंड इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ज़्यादातर अगर हम देखें, इसमें एग्जाम्पल भी आपके बुक में भी है शायद, जिसमें हम कहते हैं हम टीवी कमर्शियल से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. हम देखते हैं हमारे फेवरेट स्टार्स जो हैं, दे अप्लाई फेयरनेस क्रीम एंड दे गेट ग्लो ऑन द फेस, है ना, और वाइटनिंग इफेक्ट आता है, तो हम भी लगाने लगते हैं. ये क्या हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस, क्योंकि वी एडमायर देम एंड वी रियली थिंक दैट दीज पीपल, दे उनका बिहेवियर ऐसा रहा है तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ये लोग कौन है, रियल भी हो सकते हैं, ये इमेजिनेशन में भी हो सकते हैं. जैसे हमारे जो ये जो रियल हीरोज है, ये रियल हीरोज नहीं है, रियल पर दे आर हीरोज, सो हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया. सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरी डे वी वॉच टेलीविजन कमर्शियल, रेडियो पर कोई सुनता है, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस, जैसे एक फ्रेंड ने एक जगह छोले भटूरे खाए, उसने आपको बोला यार तू वहाँ जा, अब हो सकता है उसके टेस्ट बड्स उससे सेटिस्फाई हो रहे, लेकिन नहीं, वी कम इन द इन्फ्लुएंस, वी विल श्योरली गो देयर एंड वील ट्राई. सो दैट्स व्हाट इज नोन एज सोशल इन्फ्लुएंस, आई एम श्योर यू आर गेटिंग. मैंने जैसे कहा, इट्स अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, एवरी डे वी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ईच अदर, एंड इन सम सिचुएशंस व्हाट हैपेंस इज इन्फ्लुएंस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. सो as a result what happens, we tend to do those things which we otherwise we would not like to do it.
On other occasions, we sometimes able to defy, influence, right, the others. मतलब इसको ऐसे ले लेते हैं कि मेरी जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यू मस्ट हैव सीन जो WWE और F देखते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कैसी हो जाएगी, वो भी वैसे ही अपने आप को फाइटर फील करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेंथनिंग इन द मसल्स बैठे बैठे सोफे पे, है ना. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. अब इसके तीन, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस. कौन कौन से थे? कन्फॉर्मिटी, राइट, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस. सो आपके इसमें हमारे बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है राजे. वॉट इज दैट? लेट मी जस्ट रीड फॉर यू. इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन इन योर स्कूल. सम ऑफ योर फ्रेंड्स कम टू यू विद अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ रूल दैट इज रिसेंटली अनाउंस्ड, बैनिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द स्कूल. अब पर्सनली आपको लगता है यार अच्छा ही कर रहे हैं, पढ़ा तो जाता नहीं अगर स्कूल या कॉलेज में फोन ले आओ. मन से पर्सनली यू बिलीव दैट दिस रूल इज सेंसिबल एंड इट शुड बी एनफोर्स्ड, बट विल यू राइट ऑन दैट लेटर, नो नो आई एम नॉट इन दिस फेवर, सो विल यू डू नॉट साइन द लेटर? यू विल. आप इसलिए करेंगे बिकॉज यू थिंक दैट इफ आई विल नॉट डू इट आई लूज माई फ्रेंड्स, आई विल हैव अ बैड नेम इन द स्कूल, स्टूडेंट यूनिटी से मैं बाहर हो जाऊंगा, बहुत सारे रेपरकशंस हो सकते हैं. सो वॉट विल हैपन इन दैट सिचुएशन? इन दैट सिचुएशन यू विल एक्चुअली साइन दैट लेटर. नाउ यू हैव एक्सप्रेस्ड अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्योंकि आप उनके अंडर आ गए. अब कन्फर्मिटी का मतलब क्या हुआ? कन्फर्मिज्म लिखा है ना यहाँ, कन्फर्मिज्म. इट मीन्स बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म. जो ग्रुप चाहता है वैसे ही, वॉट एवर दे एक्सपेक्ट यू टू डू यू डिड इट. और जो लोग नहीं करते वो नॉन कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं. ओके, सो दे आर एंटी कन्फर्मिज्म भी हो सकता है कह सकते हैं, और नॉन कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं. सो और वो कैसे हो जाएंगे? दे गेट नोटिस्ड मोर देन दोज हु डू कन्फर्म. मतलब पूरे ग्रुप ने साइन कर दिया तो आपको कोई जानता भी नहीं कॉलेज में, साइन कर दिया कि उसने कर दिया, लेकिन एक भी बच्चे ने साइन नहीं किया तो आप उसे अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे. वो है जिसने साइन नहीं किया, ही इज द वन हुज नॉट सपोर्टिंग आवर डिसीजन. तो क्या हो गया? वो डेवियंट हो जाएगा. उसे हम डेवियंट टर्म भी कहते हैं और नॉन कन्फर्मिस्ट भी कहते हैं. आई एम श्योर यू गेट द पॉइंट. ओके, सो बिहेव अकॉर्डिंग टू ग्रुप नॉर्म्स इज दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स. जैसा वो सोच रहे हैं आप वैसा ही बिहेव करें तो कन्फर्मिज्म हो गया. पर्सन हु डू नॉट कन्फर्म दे आर कॉल्ड डेवियंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट कहा जाता है उन्हें. राइट, वाई इज देयर अ टेंडेंसी टू फॉलो अ नॉर्म? नाउ द क्वेश्चन कम्स, राइट, सो क्यों नहीं करते हम? नॉर्म्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ, क्योंकि ये रूल नहीं है, है ना, ये इनफॉर्मल रूल है, अनरिटन बिहेवियर है, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप अबाउट वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन. दिस अलाउज बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू फंक्शन स्मूदली. अब एक भी ओपोनेंट हो जाता है तो क्या फंक्शन स्मूदली हुआ? नहीं हुआ. अब सब उसके अगेंस्ट आ गए, उसको समझाने लग गए, तो ये हम कहते हैं यार फ्लो के साथ ही चलते, लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, कौन इसको मैनेज करेगा, सो इसलिए हम उसको फ्लो के साथ जाने देते हैं. अवॉइड डिसअप्रूवल. हम हमेशा चाहते हैं कि थिंग्स शुड गो इन अ नाइस मैनर, और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करना है, छोड़ो यार ऐसे डिसअप्रूव करूंगा फिर झगड़े में पड़ना पड़ेगा. तो इस केस में हम जो सही बात है वो भी नहीं बोलते. अवॉइड डिसअप्रूवल. मोस्ट पीपल बिलीव दैट मेजोरिटी इज मोर लाइकली टू बी राइट. और बहुत सारे लोगों को लगता है सब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा. तो उनका सेल्फ इस्टीम या तो हाई नहीं होता, या उनमें दम नहीं होता उसको अपोज जाने का, या मे बी दे बिलीव और ठीक भी है, तो इस तरह से वो उसके साथ कन्फर्मिटी में फ्लो में चले जाते हैं. ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट. ओके, वेयर इज इट गिवन इन योर बुक? लेट मी जस्ट फाइंड आउट सो दैट आई कैन गिव यू द रेफरेंस. इट्स ऑन पेज नंबर 140. ओके, so that is given. Before I read this, just wait. Okay, पहले हम कन्फर्मिटी को ही खत्म करेंगे, राइट. अब देखिए क्या था ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट. शेरिफ ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 140. शेरिफ हैज कंडक्टेड दैट.
he conducted although he did many experiments to show that groups jo hain they form their own norms and members they make their judgments according to these norms. Okay, in a series of experiments Muzaffar Sharif asked participants to estimate how far a dot of light in a dark room moved. In reality the dot was static, it was not even moving, but it appeared to move due to something known as autokinetic effect. Science mein jante hain kyunki wo blink karta hai isliye hame lag raha hai. Essentially tiny movements of the eyes make it appear that a small dot of light is moving in a dark room. When asked individually the participants answers varied considerably. When asked as a part of a group, Sharif found that the responses converged towards a central mean. Sharif results demonstrated kya in an ambiguous situation people will conform to the group. तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब वो मूव कर ही नहीं रहा लेकिन ग्रुप के कुछ लोगों ने कहा. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर देयर इज अ डॉट, सो वन सेड इट मूव्ड लेफ्ट, नो नो इट डिड नॉट, इट डिड अ बिट. तो अब क्या हो रहा है, दो लोगों ने भी अगर कहा तो तीसरे ने भी उसको मूव कर देना है. क्यों? बिकॉज ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है. सो इट्स दैट इन द एंड जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा, इट वॉज सीन दैट मूविंग बाई पार्टिसिपेंट्स, मतलब क्या हो रहा था, जो इंस्ट्रक्शंस मतलब इट वॉज क्रिएटेड है ना, द नॉर्म वॉज क्रिएटेड विद इन द ग्रुप. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इट वॉज नोटेड दैट द पार्टिसिपेंट्स वर नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द चेंज, बट वॉट हैपन्ड, द जजमेंट्स जो थे वो एक दूसरे के जजमेंट्स इन्फॉर्मेशन पास करने पर उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ जी ये मूव कर रहा है. Okay, so this was the effect, this was the experiment which was done by Sharif, jise hum kya bolte hain, autokinetic effect. Let's move to determinants of conformity. Okay, so this is on page number, let me just check. Ha, before I move to conformity determinants, I need to tell you before that what is conformity, right? So hum beech mein se, I think एक टॉपिक है जो बीच में मिस हो गया, दैट इज 139 पेज. ओके, सो लेट्स पिक अप दैट टॉपिक फर्स्ट एंड देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड. उसमें कैलमैन ने डिस्टिंग्विश किया सोशल इन्फ्लुएंस को इन थ्री फॉर्म्स. लेट मी जस्ट चेक वेदर इट इज, नो इट्स नॉट हियर. यस, लेट्स कवर दिस पोर्शन फर्स्ट. नाउ कैलमैन टॉक्ड अबाउट थ्री फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. कौन कौन से? कंप्लायंस, ओके, compliance topic again, and conformity we've done, compliance, identification and internalization. So compliance kya hai? There are external conditions that force the individual to accept the influence of the significant others. All right, so